नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके पर्सनल चैनल पे। तो आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि अपने वीडियोस को सर्च में कैसे लाएं, क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब का जो सर्च इंजन है, जब सर्च आपके वीडियो सर्च लिस्ट में आ जाता है तो आपके चैनल तो वायरल, आपके वीडियो तो वायरल होते हैं, साथ में आपका चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर सर्च टैब में आपका वीडियोज़ आने लगे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और सर्चिंग से व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आता है। सर्चिंग एक बार अगर आपका जो चैनल है वो सर्च में आने लगा तो आपके चैनल की जो रीच है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तो वीडियो को सर्च में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीडियो को सर्च में लाने के लिए क्या होता है कि जब भी आप वीडियोस को अपलोड करो तो वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन रहता है कि जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सको। तो डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो के बारे में होता है लिखना कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पे है, क्या है, वो होता है डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन का यूज़ किस तरह से होता है, जब भी आप वीडियो बनाओ तो आपके वीडियो जिस टॉपिक से रिलेटेड है या फिर जिस टॉपिक पे ज़्यादा सर्च होते हैं यूट्यूब पे, जो टॉपिक ज़्यादा सर्च होता है उस टॉपिक को जो है अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा लिखना है। 5000 वर्ड का डिस्क्रिप्शन होता है। मैं तो कहूँगा कि 5000 का 5000 वर्ड आपको फुल कर देना है, एक भी जस्ट स्पेस नहीं छोड़ना है। आप किसी भी पॉपुलर क्रिएटर को देखना, अगर पॉपुलर क्रिएटर को आप डिस्क्रिप्शन पेज में जाओगे तो आप किसी भी पॉपुलर क्रिएटर के डिस्क्रिप्शन पेज को खाली नहीं देखोगे, देखोगे बिल्कुल भरा हुआ रहता है। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, टाइटल डाल देते हैं, कुछ टैग डाल देते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि सर्च इंजन हमारा काम नहीं करता है। अगर एक बार आपने सर्च इंजन को एक्टिव कर लिया, सर्च टैब को एक्टिव कर लिया, तो उससे क्या होगा कि आप जितना भी वीडियो अपलोड करोगे तो एक बार अगर आपके वीडियो सर्च में आने लगे, देखो टैग में क्या होता है, टैग जब आप डालते हैं तो रैंक मिल जाता है कि इस टैग को कोई सर्च करेगा तो आपके वीडियो सर्च में आएंगे, इस टैग को कोई सर्च करेगा तो आपके वीडियो सर्च में आएंगे, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन डाल देते हो अपने वीडियो में तो आप अगर आपके टैग को रैंक मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन डालते हो तो डिस्क्रिप्शन डालने से क्या होता है कि आपके वीडियो सर्च में आएंगे, ठीक है। जब भी जो आप डिस्क्रिप्शन डाले अगर वो कोई सर्च करता है तो आपके वीडियो सर्च में आएंगे, चाहे पहले नंबर पे आए, चाहे दूसरे नंबर पे आए, चाहे तीसरे नंबर पे आए। टैग में क्या होता है कि आप मान लो जितना टैग डालने का ऑप्शन, अगर आप उतना टैग डालते हो तो उसमें अगर आपके किसी भी टैग को रैंक मिला, रैंक मतलब 3 रैंक, 4 रैंक, 5 रैंक, 1 रैंक, 10 रैंक, 100 रैंक, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई सर्च करेगा तो जैसे आपके टैग को 100 रैंक मिला है तो जब स्क्रॉल करेगा ना तो 100वें नंबर पर आपका वीडियो आएगा, ठीक है। 1 नंबर मिला है तो सर्च जैसे करेगा पहले नंबर में आपका वीडियो आ जाएगा, 2 रैंक मिला है तो सर्च करेगा तो दूसरे नंबर में आपका वीडियोज आ जाएगा, ठीक है। तो टैग ऐसे काम करता है लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐसे काम नहीं करता है। एक बार अगर आप डिस्क्रिप्शन डाल देते हो तो कुछ भी सर्च किया जाए आपके डिस्क्रिप्शन में जो है तो उसमें रैंक मिले ना मिले आपका वीडियो पहला या दूसरा या तीसरे नंबर पर आ जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड कोई वीडियोज भी देखेगा यूट्यूब में तो यूट्यूब आपके वीडियोज को रिकमेंड करेगा। डिस्क्रिप्शन को लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, या फिर बहुत ही बढ़िया आप लोग कह सकते हैं कि जरिया है अपने वीडियोस के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, एक बहुत ही अच्छा माध्यम है डिस्क्रिप्शन। तो हमेशा डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। देखो लोग कंटेंट पे तो फोकस करते हैं, आप कंटेंट पे फोकस करते हैं, थंबनेल पे फोकस करते हैं, टाइटल पे फोकस करते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन और टैग को जो है उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है लोगों के लिए, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो, चैनल वायरल करना चाहते हो तो आप हमेशा डिस्क्रिप्शन को हल्के में मत लेना। डिस्क्रिप्शन जितना ज़्यादा लिख सको, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर डिस्क्रिप्शन में डालो और टैग में जो है वो मैक्सिमम डालो। और इस वीडियो में भी मैं वही करने वाला हूँ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कि दूसरे वीडियो के मुकाबले ये जो वीडियो है कितना इफेक्ट हुआ, इसमें कितने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, कितने ज़्यादा वायरल हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। तो चलो आज के इसमें बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, सीताराम।